नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम युगांडा के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों युगांडा आधिकारिक तौर पर युगांडा गणराज्य पूर्व अफ्रीका में एक लैंडलॉक्स देश है। देश में प्रचलित वन्य जीव हैं, यह लुप्त प्राय पर्वत गोरिल्ला का घर है और लगभग 1061 विभिन्न पक्षियाँ प्रजातियाँ हैं। देश में पर्यटक बुनियादी ढांचा अच्छी तरह विकसित है। दोस्तों 1700 से 2300 साल पहले युगांडा के लोग शिकारी संग्रह करता थे। युगांडा का कोई राष्ट्रीय फूल नहीं है। लुप्त प्राय पर्वत गोरिल्ला युगांडा के रवंजीरी पर्वत में रहता है। युगांडा में अगर बच्चों ने एक या दो माता पिता खो दिए हैं तो बच्चों का अनाथ माना जाता है। देश अपनी सीमाओं को 5 अन्य देशों के साथ साझा करता है, रवांडा, तंजानिया, केन्या, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। युगांडा साम्राज्य युगांडा में सबसे प्रसिद्ध था। आज यह देश में पारंपरिक साम्राज्यों में से सबसे बड़ा है और दक्षिण में झील विक्टोरिया के पास है। नाम युगांडा भी इस राज्य के नाम से आता है। फुटबॉल युगांडा का राष्ट्रीय खेल है। लगभग 1/4 युगांडा की सतह झीलों और नदियों से बना है। युगांडा की कुल भूमि क्षेत्रफल 93,104 वर्ग मील है। यह ब्रिटेन के समान आकार का है। सन 1962 में बगंडा की राजा सर एडवर्ड मोतेस को पहला राष्ट्रीय चुना गया था और राष्ट्रपति चुना गया था और मिल्टन ओबेटे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। युगांडा की महिला पारंपरिक रूप से घरों का निर्माण करती हैं। वे मिट्टी के घरों की दीवारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पुरुष इन घरों की छतों को बनाते हैं। यहाँ के निवासियों को युगांडास के नाम से भी जाना जाता है। देश की लगभग आधा आबादी 14 वर्ष से कम है, जो इसे दुनिया के सबसे जवान देशों में से बनाया है बताता है। अंग्रेजी और स्वाहिली देश की आधिकारिक भाषा है। अन्य भाषा और बोलियां युगांडा भर में बोली जाती हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है। इसमें 73 वर्ग मील क्षेत्र शामिल है और इसकी 2015 की जनसंख्या 1,19,36,000 थी। युगांडा में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिलों को टैक्सियों के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि ये टैक्सियों को पर्यटक के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता, क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। ये स्थानीय रूप से बोड़ा बोड़ा के रूप में जाना जाता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को युगांडा में पाए जा सकते हैं। वे आम तौर पर आधी रात से 5 बजे तक सक्रिय होते हैं। युगांडा सिलिंग युगांडा की आधिकारिक मुद्रा है। युगांडा विश्व के सबसे गरीब और कम विकसित देशों में से एक है। जीवन को बनाए रखने और ज्वार की बढ़ती मांग के कारण युगांडा अपने कई वनों को खो चुका है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।